तो आज कमाल ही कर दिया। पता नहीं कैसे वो कुर्सी के साथ लुढ़कती हुई मोमबत्ती तक पहुंच गई। शायद वो मोमबत्ती से रस्ते को जलाना चाहते थे। लेकिन शुक्र है मोमबत्ती बुझ गई। क्या वो ये सब करती रही और तुम सब क्या करते? मर गए थे क्या? उल्लू के पट्टू बोला था ना ध्यान रखने के उस पर, तो ध्यान क्यों नहीं रखा? नजर रखो उस पर, अगर कोई गलती हुई वही आके सबकी बैंड बजा दूंगा। समझे? चला का भी फोन नीचे। ठीक है सर जी। लेकिन मैं कैसे बेवकूफ हूँ, इस लूथरा के बच्चे के बातों में आ गया। उसका साथ ही नहीं देना चाहिए था मुझे। ये तो वही वाली बात होगी, गले में फांसी का फंदा डाल दिया, बस लटकने का इंतजार। इंतजार करो, मन बुद्धि का साथ ही नहीं देना चाहिए था मुझे। खुद तो फंसेगी, मुझे भी फंसा देगी। सब कुछ गलत हो रहा है, सब कुछ गलत हो रहा है। एक तो अक्षय हाथ से निकल गए, देविका के सामने मेरा असली रूप आ गया। अब ये प्रॉब्लम क्या करूं? बोलिए क्या बात है सिकेत पुत्र? अब कौन सा स्यापा कर दिया तूने जो इतना परेशान है? कुछ नहीं, आप जाइए। कुछ नहीं तो अभी अकेले में क्या बड़बड़ा रहा था? मैंने समझ नहीं आता कि तू अपना काम धंधा छोड़ के क्यों लड़कियों के पीछे भागता रहता है। वैसे भी कोई लड़की तेरे पास टिकती तो है नहीं। पहले तेरा देविका से रिश्ता नहीं बना और अब साक्षी से जब यानी हुआ है तब से तो तूने अपना पता नहीं क्या हाल कर लिया है। देखिए मुझे लेक्चर मत दीजिए, आप अपना काम कीजिए। जाइए ना, दिमाग खराब है मेरा, उसके ऊपर से और दिमाग खराब कर लिया आप। उत्तर वक्त रहते संभल जा, नहीं तो पछताएगा बाद में, समझा? जाइए। आपने इन्हें कहीं देखा है? मेरी वाइफ एक्स नहीं, कल शाम को किसने यहाँ से उनका किडनैप कर लिया? शायद आपने। ये रवि कर क्या रहा है? Why is he begging? और रो भी रहा है। उस देविका के लिए? अरे मेरे होते हुए इसे ये सब करने की क्या जरूरत है? मन तो कर रहा है उसके उसके हाथ से वो मोबाइल छीन कर अभी तोड़ दूं, लेकिन ये लोग गुंडों के हाइडआउट के बहुत पास पहुंच चुके हैं। ऐसा नहीं हो सकता, वो देविका नहीं जीत सकती। रवि को हासिल करने के लिए अब अबे आप एक ही रास्ता बचा है, बस एक ही रास्ता। हाँ सुनो, मैं बोल रही हूँ, उस लड़की को जान से मार दो, जस्ट फिनिश हिम। पता नहीं रवि कैसा होगा, इस हाल में होगा। बेचारा कितना ढूंढ रहा होगा मुझे, कहाँ कहाँ ढूंढ रहा होगा। आज अभी मुझे ढूंढ ले किसी भी तरह। अम्बे माँ प्लीज प्लीज मेरी इतनी बात तो मान लो, बस एक बार मुझे रवि से मिलवा दो। इससे पहले कि मुझे कुछ हो जाए, मैं अपनी दिल की बात उससे कहना चाहती हूँ। उसे बताना चाहती हूँ कि मैं उसे कितना प्यार करती हूँ। अम्बे माँ मुझे चाहे कुछ भी हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन रवि के साथ कुछ भी बुरा मत होने देना। उसको जरा सी भी तकलीफ मत होने देना, उसे हमेशा सही सलामत रखना। अगर मेरे नसीब में मौत लिखी भी है तो मैं रवि के बारे में सोचते हुए मरना चाहती हूँ। मेरी आखिरी विश प्लीज पूरी कर दो। क्या कह रही मैडम जी आप? सुना नहीं मैंने क्या कहा? उस लड़की को जान से मार दो अभी इसी वक्त। अरे नहीं मैडम जी, हमसे ये सब नहीं हुआ। बॉस ने साफ साफ बोला है कि उस लड़की को खरोच भी नहीं आना चाहिए। और आप कहती है कि उसको मरवा दो। सुनो मुझसे कोई बहस करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम ये मत भूलो कि तुम्हारे बॉस ने तुमसे ये भी कहा था कि आज के बाद मैं तुम्हारी बॉस हूँ और जो मैं कहूँगी वो तुम करोगे, मेरे सारे ऑर्डर्स फॉलो करोगे। पर जैसे वो साकेत कपूर तुम्हें इस काम के कितने पैसे दे रहा है? हाँ जितने भी दे रहा है। मैं तुम्हें उसके चार गुना पैसे दूंगी कैश। साकेत कपूर की औकात क्या है? मैं तुम्हें माला माल कर दूंगी, उस लड़की को खत्म कर। जवाब दो, तुम ये काम करोगे या नहीं? बॉस कितने देते हैं वो छोड़िए मैडम जी। मैडम 1 करोड़ रुपए देंगी तो आपका काम कर दूंगा मैं। फाइन, समझ लो काम हो गया, लेकिन देविका बचनी नहीं चाहिए। और जो भी करना है जल्दी करो क्योंकि मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, समझे? नहीं बचेगी मैडम जी, आधे घंटे में उसकी कहानी खत्म हो जाएगी। नु बतायो यो गाड़ी देखी है इस नंबर की, लाल रंग की गाड़ी थी, रात ने देखी हो कदे 2-3 घंटे पहले।
मैंने कल रात को देखी थी। रात में देखी थी? कहाँ देखी थी? सुबह दुकान खुली ना, वहाँ पर गाड़ी थी गली में। ये सामने वाली गली में? अच्छा अच्छा। ओ ग्रेवाल साहब, हेलो भाई साहब, एक मिनट। जी सर। भाई गाड़ी मिल गया, आ जाओ। अनुराग है, चलो गाड़ी में बैठो, आओ आओ जल्दी करो। जी दीदी, ये सारे पेपर मैंने बांध दिए, भेज दूं मॉन्टी को? हाँ भेज दे, कुछ तो काम लो। मम्मी जी गर्मा गर्म नाश्ता। अरे चटनी कितने है? देखिए और चाल आओगे कि नहीं आज? आज का पेपर भी डाल। चीनी डाली? माँ सब मेरी गलती है माँ, मुझे चीती को माँ के लिए अकेले नहीं जाने देना चाहिए था। नहीं मेरा बच्चा, तू अपने आप को दोषी मत ठहरा, इसमें तेरा कोई कसूर नहीं है। आओ ना माँ। नमस्ते मंजू जी। अचानक हम लोगों पे इतना बड़ा पहाड़ टूट पड़ा। दरअसल हम सब कल रात को ही आने वाले थे, लेकिन सोचा कि आप सब और परेशान हो जाएंगे। देखिए ना, वैसे तो मेरे लाडो कभी किसी का बुरा नहीं सोचती, किसी के लिए बुरा नहीं करती, पर फिर भी उसके साथ। मंजू जी, क्या आपको कुछ पता चला वो अगवा करने वाले कौन से लोग थे? क्यों किया उन्होंने मेरे लाडो को अगवा? उसके पीछे क्या वजह है? कुछ तो पता चला होगा लाडो के बारे में। आंटी जी बताइए ना, दी का कुछ पता चला? और जी पुलिस ने तो कार्रवाई शुरू की होगी ना, कोई तो सुराग मिला होगा। अरे इन लोगों से क्या पूछ रहे हो तुम लोग, हैं? वो दिखाई नहीं देता इनकी शक्लों पे, ना तो कोई तकलीफ है, ना कोई गम ना परेशानी कि इनके घर की बहू अगवा हो गई है। आराम से समोसे उड़ाए जा रहे हैं यहाँ पे। तो भाई फिर किस लिए ले टेंशन? वो किस बात का गम मनाए? वो इस घर को अपना समझा होता, इस घर की बहू होती तो अपनी जिदाद हम सबके साथ बांटी नहीं होती। वो जिदाद आते ही उसके तो तेवर ही बदल गए, वो इसी लायक थी। वो हम तो घर के लोग हैं, दो टूक जवाब सुना जी और चुप हो गए। लेकिन बाहर वाले चुप नहीं होते, उनकी नजरें बड़ी तेज होती हैं। वो जैसे ही पता चला अकेली लड़की 10 करोड़ की जिदायत की मालिक है, तो बस अगवा तो होना ही था ना उसको। वो अगर जिदायत में अपने साथ मेरा रवि का नाम लिखा दिया होता तो अकेले पे मुसीबत नहीं आती ना। अब भुगतो, हम क्या करें भाई? ग्रेवाल जी, गाड़ी का नंबर तो यही है, पर आजकल बदमाश क्या करते हैं, गाड़ी की नंबर प्लेट चेंज कर देते हैं। तो सुनना, तेरे पास एक बड़ा वाला चाकू था, देना जरा। क्यों भाई, कोई फल फ्रूट लाया क्या? जो भी काटे मुझे भी खिलाइयो, अकेला मत खाइयो, समझा? और सुन, चाकू पे धार बहुत है, फल फ्रूट तो छोटी चीज है, इससे बकरा भी कट जाएगा। बकरा नहीं, पकड़ी कटेगी। देविका, देविका, देविका! ये रवि की आवाज तो नहीं? रवि यहाँ? नहीं, मुझे यकीन नहीं हो रहा। देविका! हाँ, ये सच में रवि की आवाज है। ये देविका की साड़ी का कपड़ा है। सर, सर ये देखिए, सर देविका की साड़ी का कपड़ा है सर, मैं पहचानता हूँ उसे। इसका मतलब आपकी घरवाली यहीं की होनी चाहिए। जी सर। अनुराग, अंदर देखो। शर्मा, उधर देखो। देविका, एक मर्डर और 1 करोड़। साला, जिंदगी में कभी सोचा नहीं था 1 करोड़ रुपए देखूंगा। अब मैं उस लड़की का एक झटके में काम तमाम कर दूंगा।
और पूरे पैसे उठा के गांव भाग जाऊंगा। और फिर जिंदगी में कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस ऐश करूंगा ऐश। यार अभी तो किस्मत खुल गई। दरवाजे के बाहर रवि होगा। रवि है ये। थैंक यू अम्बिमा, थैंक यू, थैंक यू। रवि ने मुझे ढूंढ ही लिया। रवि अंदर आ जाओ, मैं यहाँ पर हूँ। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, मुझे पता था तुम जरूर आओगे। देविका, देविका, तेरे नसीब में मौत और मेरे नसीब में 1 करोड़ रुपए लिखा है। तू मर जाएगी तो मैं माला माल हो जाऊंगा। अब तुझे मरना होगा। ढूंढू मैं जाके देविका को? कुछ तो करना पड़ेगा। देविका, देविका, हुआ या नहीं, गुंडों का कोई फोन भी नहीं आया अभी तक। क्या करूं? साकेत, हेलो। ओ मिस लुथरा, कहाँ हो तुम? तुम्हारे ऑफिस गया था, घर गया था। तुम्हारा तो कोई पता नहीं, शहर छोड़ के भाग गए क्या तुम? सुनो, ये बताने के लिए फोन कर रहा हूँ कि मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं है। तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ, तुम मुझे जानती हो, समझे? साकेत मेरी बात सुनो एक मिनट प्लीज। अरे मेरी बात सुनो तुम। अभी बकवास बंद करो, तुम्हारे चक्कर में ना मैं फंसने वाला हूँ। तुम्हारे बेवकूफ प्लान का हिस्सा बन गया। अरे तुम्हारे चक्कर में मेरी सीट, मेरे पोजीशन सब छिन जाएगा। अरे पूरी जिंदगी पड़ी है। तुम्हारे बेवकूफ प्लान की वजह से ना मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तुम अपने रास्ते निकलो। मैं अपने रास्ते निकलूंगा, फोन मत करना मुझे। साकेत प्लीज एक मिनट मेरी बात तो सुनो तुम। अरे लूथरा की बच्ची अपनी बकवास बंद कर, तो मेरी बात सुन। मैं तुम्हारा नंबर डिलीट कर रहा हूँ, तुम मेरा नंबर डिलीट करो। नहीं, काम करता हूँ, मैं एक नया नंबर ले लेता हूँ। किसे फोन करोगे तुम? विल यू प्लीज लिसन टू मी। साकेत मेरी बात सुनो। रवि उन गुंडों के हाइडआउट के पास पहुंच चुका है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। क्या? हाँ, रवि और पुलिस, वो दोनों यहाँ पहुंच चुके हैं। पुलिस को उस गाड़ी के बारे में पता चल गया था जिस गाड़ी से देविका किडनैप हुई थी, और अब वो लोग हाइडआउट के पास पहुंच चुके हैं। वो अंदर देविका को ढूंढने गए हैं साकेत, लेकिन डोंट वरी, उन्हें देविका मिलेगी नहीं। ना वो मिलेगी, ना वो कुछ बोलेगी, क्योंकि मैंने तुम्हारे आदमियों से कह दिया है कि देविका को जान से मार दें, और अब तक तो वो काम हो भी गया होगा। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? तुमने देविका को मारने का ऑर्डर दे दिया। तुम्हारी तो मैं ना, तुम्हें तो बाद में निपट लूंगा मैं। अरे हेलो इडियट, मुझे थैंक यू बोलने की बजाय मुझ पर ही चिल्ला रहा है।
ये कमीना तो हमेशा टेंशन बढ़ाएगा मेरी। कितनी अच्छी चाल चली, शाबाशी देना दूर, उल्टा मुझ पर चिल्ला रहा है। तुम लोग मेरी बात समझते क्यों नहीं? अरे उस लड़की को मानने में बहुत पैसा मिलेगा, वो मैडम दे रही है यार, आपस में बांट लेंगे, हमारी जिंदगी बन जाएगी यार। चल आ, उसे अभी निपटा दे। चुपचाप रह कहते की औलाद, तुझे सिर्फ और सिर्फ पैसा दिखाई दे रहा है। साहब जी का गुस्सा भूल गया तू? साहब जी ने साफ साफ शब्दों में कहा था कि अगर उस लड़की को एक भी खरोच आई तो वो हमें पार के कुत्तों के सामने डाल देंगे। और वैसे भी किसी को किडनैप करने की सजा बहुत कम है, और किसी को जान से मारने की सजा सीधे फांसी। हमको खुद बता, फांसी पर चढ़ने के बाद ये पैसा हमारे किस काम का? हमारे पीछे हमारे परिवार का क्या होगा? हमारे माँ बाप भाई बहन, तेरा सोच उनके बारे में तो सोच, बैल बुद्धि सोच। बॉस का फोन। उठा। हाँ सर जी। अबे फोन क्यों नहीं उठा रहे तुम लोग? सुनो, जल्दी वहां से निकलो, रवि वहां पुलिस वाले के साथ पहुंचने वाला है, जल्दी निकलो वहां से। अरे ये बात तो हमें पता है साहब जी, पर हम भागे कहां से? पुलिस पुलिस हमारे आस पास ही है, कुछ देर में यहां दबकेगी। साहब जी अब हम पकड़े जाएंगे। देखो साहब जी, अब आपको ही कुछ करना होगा। अब्बल तो आपको पहले से ही पुलिस को रोकना चाहिए था। और अगर हम यदि पकड़े गए ना तो साहब जी अकेले नहीं रुकतेंगे, पुलिस को आपका और वो मैडम जी का नाम भी बता देंगे, समझे आप? तेरी इतनी औकात के मुझे धमकी दे रहा तू? मुझे ऐसा सोचना भी मत, नहीं तो वहीं आके तेरा गला दबा दूंगा मैं। सुन, उस लड़की को लेके वहां से बाहर निकल। बहुत सारे रास्ते वहां से बाहर निकलेंगे, दुनिया इधर की उधर हो जाए लेकिन वो लड़की घर नहीं पहुंचनी चाहिए, समझे? जल्दी कर जी। क्या हुआ? चलो। कहाँ फंस गया मैं इसके चक्कर में? सर याद देखिए, मैं ऊपर देखता हूँ। ठीक है ठीक है। अनुराग जल्दी। भाई सर, आपने किस लड़की को देखा यहाँ पर? हाँ, आज जब मैं खाना खाने जा रहा था तब मैंने तीन आदमियों को एक बेहोश औरत को लेके आते हुए देखा। मैंने उनसे पूछा भी कि ये कौन है, उनमें से एक ने कहा कि ये मेरी बीवी है और वो पी हुई है और वो खींच के लेके जा रहे थे। किस तरफ गए? वहाँ उस तरफ बाजू वाले गोडाउन में। ग्रेवाल जी कुछ मिला क्या? नहीं सर, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। एक काम करते हैं, बाजू वाले गोडाउन चलते हैं। अरे रोहित, देविका यहाँ तो कोई ना है। देविका कोई ना मत, मतलब क्या यहीं पर होंगे वो लोग? अभी अभी तो वहां से आ रही थी। शर्मा वहां देख, शर्मा वहां देख, वहां देख, वहां देख, आप भी देखिए प्लीज। देविका वहां जा, वहां देविका तुम्हें
साल में उड़ रहे तुम ग्रेवाल जी संभालो अपने आप को ग्रेवाल जी देखो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं ना मिल जाएगी आपकी घरवाली Yeah.